सुशील जी, हमको लगता है कि कुछ आप ज्यादा व्याकुल हो गए और व्याकुलता में गलत सलत बात भी बोल रहे हैं। अरुणाचल के 7 में से 6 विधायकों को आपने 2020 में अलग किया, 2020 में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया, गठबंधन धर्म का आपने पालन नहीं किया, एनडीए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था, उन्होंने एक आचार संहिता बनाई थी कि एनडीए के अंदर एक दल से दूसरे दल में कोई किसी को अपनी पार्टी में शामिल नहीं कराएगा, उसका भी उल्लंघन आपने किया। एनडीए आपका अभी का जो प्रधानमंत्री है और जो नेता है उनका बनाया हुआ है, एनडीए बनाया हुआ श्रद्धेय अटल जी का है, अडवाणी जी का है, मुरली मनोहर जोशी जी, इन लोगों ने एनडीए बनाया था और गठबंधन धर्म का पालन किया था। आप तो 2020 में कराए, हम उस समय एनडीए में थे कि एनडीए से बाहर थे? हम एनडीए में थे, लेकिन उसके बावजूद आपने 7 में से 6 विधायकों को भाजपा में शामिल किया था। अब आप गलत बयान दे रहे हैं, तब इसका कौन हिसाब देगा? बिहार की जनता सब देखते रहती है कि क्या करते हैं आप। मणिपुर के विधायकों के बारे में आपने बताया, मणिपुर के विधायक सभी 6 विधायक 9 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्याग पत्र दिया, 10 अगस्त को नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ और 10 अगस्त को ही मणिपुर के 6 विधायक पटना आए, मुख्यमंत्री जी के साथ घंटों रहे और सबों ने एकजुटता दिखाई। 11 को भी वो रहे, 11 तारीख को उन्होंने पटना का म्यूजियम जो बना है उसको देखा, पूरे पटना में घूमे और मुख्यमंत्री के साथ एकजुटता दिखा के वो गए। हम लोगों का लगातार संपर्क था, वो आने वाले भी थे बैठक में, लेकिन इस बीच में धन बल का प्रयोग आप लोगों ने किया, इसके आप लोग माहिर हैं, करते रहते हैं, महाराष्ट्र में यही काम किया ना आप, मध्य प्रदेश में आपने यही काम किया ना, दिल्ली में भी तिकड़म चाल कर रहे थे, फेल कर गए, झारखंड में भी अभी कर रहे हैं, जहां जहां करिएगा। ये सारा कार्रवाई आपका हताशा का परिचायक है। अभी देखा हमने, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने केरल में भाषण दिया, भ्रष्टाचार